देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सत्यम। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सरगर्मी है, जो हम आप तक पहुँचाते हैं, लगातार दिखाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, जनता के मूड को भी आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ गोराडी प्रखंड के गोराडी पंचायत यहाँ पर के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, इंजीनियर श्रीकांत। इनसे हम बात करेंगे, इनके समर्थक भी इनके साथ मौजूद हैं, यहाँ की उम्मीदवार प्रिया रानी भी यहाँ पर मौजूद है। उन सभी से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है, आखिर आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चल के ग्राम पंचायत गोराडी तक आए और ये जानने का कोशिश किए कि अभी क्या लहर चल रहा है ग्राम पंचायत गोराडी में। जहाँ तक आप 5 साल की बात की, मेरे घर से मेरी बहू नीतू कुमारी थी, मुखिया प्रतिनिधि अंगद कुमार सिंह हमारे पिताजी, उसके कार्यकाल में जो जनता का सेवा होता है, हम बोलेंगे तो आपके चैनल समझेंगे कि ये झूठ का माध्यम है, ये झूठ का पटेरा है। जनता से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। मुखिया प्रतिनिधि अंगद कुमार सिंह के रीजन में सबका साथ सबका विकास जो है ये काम हुआ, चाहे शौचालय हो, चाहे इंदिरावास हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, जितना भी पंचायती राज में सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है, सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ग्राम पंचायत गोराडी रहा। दूसरी बात, मनरेगा का कार्य हो, ग्राम प्रखंड गोराडी में एक नंबर पे ग्राम पंचायत गोराडी रहा, एक नंबर पे रहा मनरेगा में भी। दूसरी बात, हमारे पिताजी श्री अंगद कुमार सिंह मुखिया प्रतिनिधि के रीजन में सबसे पहला कार्य जो हुआ, इंदिरावास में जो पदाधिकारी घूस लेते थे, चाहे बिचौलिया रहते थे, पदाधिकारी और बिचौलियों को उससे हटाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास घुस मुक्त करने का काम किया। घुस मुक्त क्यों किया, एक गरीब से यदि 10,000 लेता है या 15,000 लेता है, उस 10,000-15,000 से एक गरीब का 2,000-1,500 ईंट आ जाता है और उससे पक्का मकान बनता है। दूसरी बात, मेरे रीजन में ऊपर से खींच के लाए इंदिरावास और जितना नाम था सब पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद जो नया नाम जुड़ा वो भी शुरू हो गया, जो सूची पहले का था, 5 साल में सूची बनता है, वो सूची खत्म करके और जो नया था वो भी शुरू हो चुका है, ये विकास है। दूसरी बात, नल जल का योजना रहे, पूरा तो कर दिए थे हर जगह, जहाँ एक वार्ड में थोड़ा हल्का पानी का कमी था, मैं आज 3 दिन पहले 3 नंबर वार्ड में डायरेक्ट डीएम साहब से बात करके उसको भी दुरुस्त करने का काम किया, जो कि अंचल के बगल में है, आप जाके देख सकते हैं, आज मैं सुबह उसको पानी दिलवा के आया। पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी लूट खसोट होती है, 10-15 हज़ार तक ये बता रहे थे, पर मैंने देखा है क्षेत्र में भ्रमण के दौरान 25-25 हज़ार रुपये तक गरीबों से लिया जाता है, वैसे गरीबों से लिया जाता है जिनके सर पर छप्पर तक नहीं होती, और उनसे यदि 25-25 हज़ार रुपये घर दिलाने के नाम पर लिया जाए तो पंचायत क्षेत्र में किस प्रकार से घोटाला चलता है, किस प्रकार से लूट खसोट होता है, इन बातों का आकलन आप खुद कर सकते हैं। आपने बताया कि पिछला 5 साल आपका काफ़ी स्वर्णिम रहा, आपने जलनल योजना में काम किया, साथ निश्चय योजना में काम किया, इंदिरा आवास, विधवा पेंशन, सभी चीज़ों में आपने चौतरफा विकास किया, काम किया। क्या लगता है आपको, इस बार के चुनाव में आपकी जनता आपके पिछले काम को देख कर आपको वोट देगी, या फिर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण या फिर सामुदायिक समीकरण काम आएगा? सबसे पहले मैं जो पहले बताया, चाहे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना रहे, पक्की नली गली, वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं जात पात ऊंच नीच गरीब गुरवा ऊट के हमारे पिताजी मुखिया प्रतिनिधि अंगद कुमार सिंह काम करने का काम किया, वो जाके हर समाज में देख सकते हैं, हर वार्ड में काम हुआ, हर जगह काम हुआ, चाहे आप चल जाइए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इससे 11 नंबर वार्ड तक जाइए, हर वार्ड में मुखिया प्रतिनिधि अंगद कुमार सिंह के रीजन में काम हुआ है और चौतरफा विकास हुआ है। दूसरी बात, मैं एक बात यही कहूँगा, जब एक आदमी को 5 बेटा रहता है तो उस पिता से 5ों बेटा खुश नहीं रहता, थोड़ी बहुत कमी
कोरोना के चलते हो गया, डेढ़ साल जो कोरोना रहा उसमें सरकार के माध्यम से परिपूर्ण पर्याप्त पैसा नहीं आया, जो कि आप लोग भी जान रहे हैं। दूसरी बात, जो हल्का फल्का छत बनने के लिए बच गया है, यदि रानी प्रिया इस बार ग्राम पंचायत गुराटी से मुखिया बनती है तो हर गरीब गुरवा जात पात जो कहते हैं, लोग कहता है कि हम ये जात है वो जात है, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, इस पृथ्वी पे दो जात है, स्त्री और पुरुष, तीसरा कोई जात नहीं है। इसलिए जाति और पाति का घृणा नहीं करना चाहिए। अभी जो आपके बगल में खड़ा है, या हरिजन है, तांती है, जादव है, कुशवाहा है, जितना हमारे पंचायत में जात है लगभग सब जात है, आप देख सकते हैं। हम जात पात की और ऊंच नीच की राजनीति नहीं करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। हमारा जनता कैसे खुश रहे, हमारा जनता को क्या जरूरत है, हम उस चीज की राजनीति करते हैं। जनता खुश है तो मैं खुश हूँ, जनता ना खुश है तो मैं खुश नहीं रह सकता हूँ। दूसरी बात, यदि काम करते करते, जनता की सेवा करते करते यदि मुझे सीने में भी गोली खाना पड़ेगा तो मैं गोली खाना पसंद करूंगा, लेकिन पीछे मोर के देखना पसंद नहीं करूंगा। चलिए, पंचायत चुनाव में विरोध होता है, विरोधाभास होता है, मतभेद मनभेद, इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ होते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर चुनाव होने पर इन सभी चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं सामना जरूर करना पड़ता है। आपने बताया कि पिछला कार्यकाल आपका बड़ा ही अच्छा रहा, आपने हर क्षेत्र में विकास किया, यहाँ की जनता विकासशील कैंडिडेट को चुनेगी, इन सभी चीज़ों को आपने बताया। हम चाहेंगे कि हम आपके प्रत्याशी से भी बात करें, रानी प्रिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं, जीतेंगी तो किस प्रकार से विकास करेंगी, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम। सबसे पहले रानी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे तरफ से सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद। आप इस बार पहली बार चुनाव में हाथ आजमा रही हैं, आपके घर से पिछले रीजन में मुखिया थे, आपने कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा, देखा होगा, लगातार राजनीतिक माहौल आपके घर में रहा, इन सभी चीज़ों का आपको मुनाफा देखने मिलेगा चुनाव में, पर आपका क्या मोटिव है? आप यदि मुखिया बनती हैं तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने देखा कि आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है या फिर धीरे हो रहा है, उन सभी चीज़ों में एक दो कुछ ऐसा कार्य बताएं जिस पर आपका खासा नज़र रहेगा। जनता के साथ कंधा में कंधा मिला के रहेंगे और दुख सुख जो भी हो हम हर चीज़ में हमेशा उनके साथ और सपोर्ट हमेशा करेंगे और साथ में रहेंगे, जनता के बीच में रहकर काम करेंगे। समाज में इसी प्रकार से यदि जनप्रतिनिधि करे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास कोसों दूर नहीं रह जाएगी। हमारे साथ यहाँ इनके कुछ समर्थक हैं, इंजीनियर श्रीकांत के कुछ समर्थक हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कितने विकास कार्य हुए, कितना घोटाला हुआ, बिचौलियों की क्या स्थिति है, दलालों की क्या स्थिति है, पिछला 5 साल कैसा रहा और आने वाले समय में ये क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने मुखिया से, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर इनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ की जनता ही बता सकती है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद भाई है, बताबो पिछला 5 साल केनो रहो मुखिया, केनो 5 साल ठीक ठाक रहा? ठीक ठाक। कितना अंक दीजिएगा आप, 10 में से कितना अंक दीजिएगा? पिछले 10 दे देंगे। ठीक ठाक रहा फिर भी 10 दे दीजिए? फिर भी दे देंगे। अच्छा, तो खुश हैं इसलिए दे देंगे? खुश हैं आप? इस बार क्या मिजाज है कि किसको वोट देना है, कैसा मुखिया चाहिए? मुखिया विकासशील होना चाहिए और विकास के स्तर पर सही काम कर रहा है, इसलिए हम लोग पूरे सहयोग के साथ इसके साथ। अच्छा, किन हो चचा तुरा नाम? अगुआ भैया वो भी बोला अरविंद सही बोला। अच्छा, तो मतलब पिछला 5 साल काम हुआ है समाज में? और भी कुछ हैं, युवा हैं हमारे साथ, कुछ आप लोग कोई कुछ बताना चाहते हैं पिछले 5 साल के बारे में, कैसा रहा काम आपके क्षेत्र में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार हुआ। चंद्रकांत, आप युवा हैं, आप घूमते हैं, आप समाज में हर एक जगह जाते होंगे, क्या लग रहा है आपको, आपके पंचायत क्षेत्र में हुआ विकास कार्य, दूसरे पंचायत क्षेत्र में हुआ विकास कार्य, कौन सा बेहतर है? नहीं बता सकता हूँ दूसरी पंचायत में क्या हुआ, लेकिन अपने पंचायत में बहुत बढ़िया विकास हुआ। तो युवाओं का, आपके जोड़ी पाली के जो दोस्त हैं जिनका नया वोटर कार्ड बना, जो इस बार हो सकता है तो मतदान करें, उनका क्या मूड है, उनका क्या कहना है? मेरे हिसाब से सब चाह रहे हैं कि रानी प्रिया, मतलब रानी प्रिया को मुखिया बनाया जाए बार। अच्छा जी, चाचा क्या नौ काम रहो पिछला 5 साल? बढ़िया है। अब की मुखिया किकरा बनेगा? रानी मेरे की। अच्छा, मुखिया बनेगा? अच्छा, की चाहे जो गाँव में की सड़क वाला की? हाँ, सड़क है, इंदिरा आवास है, हम लोग को और क्या है, बिचौलिया से नहीं ना चाहो, बिचौलिया रहेगा बिचौलिया भगा देंगे। अच्छा, और कुछ है? मूड बना लिया? हाँ, मूड बना लिया।
भैया तहु बताबो की नाम होना तोरा मैं देता थी की मोट छ बार केकरा मुखिया बने वो की देखी मुखिया की देखी का मुखिया वोट कर लो बहुत अच्छा आदमी छे हमरा साथ में बहुत घटना घटलो वाले बड़ारी पुल पर हम एक्सीडेंट कर लिए गांव में बहुत आदमी भी फोन कर लिए मुखिया साहब भी पहले जे छले आज 10 साल पहले ग्रामीण फोन कर लिए कोई नहीं पहुंचे श्री कमल जी का हम फोन कर लिए हमरा हमरा माय भाई एक्सीडेंट कर लिए ई जाय के हमरा ने सब लोग भगवान छुट्टी के लिए बैंडेज करवा हमारे घर वाले हमरा ने अगर देखल चाहे छे रानी प्रिया जी का मुखिया और एक बार इसमें घटना घटलो ले ई झारखंड में तो सब में मैटर में भी हम लोग के बहुत अच्छा बचेल है टेंट फेंट में मामला में रानी फंसी गेल रही बचा के भी मामला है बहुत अच्छा काम कर रही है ना जनता का कहना है कि इंजीनियर श्रीकांत हमेशा से सामाजिक कार्य में जुड़े रहे जनता की सेवा किया इन्होंने और यही कारण है कि आज जब चुनाव का माहौल है जब वोट करने की बारी आई तो जनता इनके साथ है और जनता पूरे तरीके से अपना समर्थन इन्हें दिखा रही है जता रही है। इसी प्रकार से हम पंचायत चुनाव में पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं गाँव जाते हैं हर एक पंचायत जाते हैं वहाँ के प्रत्याशियों के मनोभावनाओं को आप तक पहुँचाते हैं वहाँ की जनता की समस्याओं को आप तक पहुँचाते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।